छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोग और उपनियुक्तों का इंतजार अभी खत्म हो रहा है। सत्ता और संगठन में इन नियुक्तियों को लेकर सहमति बन चुकी है। मंडल आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्तियां किस तरह की जानी है और इनमें किन नेताओं को अवसर दिया जाना है, जो यानी कि नियुक्तियों के लिए नाम तय करने का भी फाइनल हो गया। इस पर खास रिपोर्ट। निगम मंडल आयोग में जल्द होगी नियुक्तियां। पहले चरण में प्राधिकरणों की होगी नियुक्ति, जिसमें सक्रिय और वरिष्ठ विधायकों को मिलेगा मौका। दूसरे चरण में मंडल और आयोगों में दी जाएगी। तीसरे चरण में निगमों में होगी नियुक्तियां। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बीजेपी नेताओं का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रदेश में अब लंबे समय से इंतजार के बाद निगम मंडल आयोग को नियुक्ति की जाए, इसे लेकर कई नामों को लेकर सहमति बन गई है। दरअसल प्रदेश में विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल में 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इसके बाद अब नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है और बीजेपी की एक उच्च स्तरीय बैठक नियुक्तियों पर फैसला भी लिया है। वहीं निगम मंडल की नियुक्तियों पर राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि इन विभागों में नियुक्तियां साथ ही सीएम लंबे समय से प्राधिकरण की नियुक्ति को लेकर चिंतित थे। पहले कुछ और है, मतलब मंडल बात का विषय कुछ और प्राधिकरण और जो विषय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ शीघ्र सकता है। बहरहाल साय सरकार में 9 हाथ से सारा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक किसी निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं करें। सीएम के 2 सलाहकारों की नियुक्ति हुई, जिसके बाद कयास लगाई जा रही है कि इन पदों की जाएगी। इसे लेकर ही हरी झंडी बस्ती, हालांकि 3 चरण प्रदेश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनकी अपील निष्ठा और सक्रियता के आधार पर देख रहे होगा नियुक्तियों की किसकी किस्मत का ताला खुलेगा, ये तो वाला वक्त ही बताया। रायपुर से दीप साहू की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।